दोस्तों, यदि आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को खौफनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले से पहले मिशेल स्टार्क ने उगला भारतीय टीम के खिलाफ जहर और कुछ ऐसा कह दिया जिसने विश्व क्रिकेट में मचा दी सनसनी। मिशेल स्टार्क के इस हैरतअंगेज बयान पर हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बहुत अधिक भड़क गए और गुस्से में आकर मिशेल स्टार्क को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे दिया जिसने मिशेल स्टार्क की बोलती बंद कर दी। तो कैसी रही इन दो क्रिकेट के दिग्गजों के बीच की जुबानी जंग, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल में कौन है बेहतर ऑलराउंडर, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन T20 मैचों की सीरीज 20 सितंबर से मोहाली के स्टेडियम में शुरू होने वाली है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। वहीं इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले ये वर्ल्ड चैंपियन और नंबर वन टीम के बीच में सीरीज है, और जिससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क अपनी पुरानी फॉर्म में वापस दिख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई थी, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इन तीन T20 मैचों की सीरीज से पहले अपने प्रैक्टिस में भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। और इसी दौरान एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मिशेल स्टार्क ने भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कोहली रोहित को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चले आपको बताते हैं ऐसा क्या कह दिया मिशेल स्टार्क ने जो ये सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि मिशेल स्टार्क ने अपने बयान में कहा है कि मैं अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुका हूं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारत दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। मेरे ना होने से भारतीय टीम ये कतई ना सोचे कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास ऐसे कई गेंदबाज हैं जिनके सामने विश्व के सबसे धाकड़ भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तक 10 ओवर भी टिक नहीं पाएंगे। हमारी टीम भारतीय टीम को ना सिर्फ पहले T20 मुकाबले में बड़े अंतर से हराएगी, बल्कि इन तीन मैचों की T20 श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप कर विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी फिर से मजबूत कर लेगी। दोस्तों, मिशेल स्टार्क का अपनी टीम का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, लेकिन उनकी बातें किसी भी भारतीय को जरा सी भी रास नहीं आई, और भारतीयों का नेतृत्व करते हुए हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने मिशेल स्टार्क को उनकी गलतफहमी से रूबरू कराया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे दिग्गज मानी जाती है, लेकिन उनका ये दौर अब समाप्त हो चुका है। एशिया कप में मिली नाकामी से मिशेल स्टार्क को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे इस T20 श्रृंखला को आसानी से जीत लेंगे। हमारा हर एक खिलाड़ी अपनी बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है, और जसप्रीत बुमराह के साथ हर्षल पटेल की वापसी से भारतीय गेंदबाजी विश्व की सबसे घातक गेंदबाजी बन जाती है। जहां तक कभी रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सबके सामने पीटा है। रोहित और विराट के आगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बेबस नजर आते हैं। विराट और रोहित के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज भी सहम जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप कर सभी को यह बताने वाली है कि भारतीय टीम इस T20 विश्व कप की विजेता बनने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में सर्वाधिक रन बनाएगा? हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।